हमारे मालिक बेचारे ने इसकी कीमत सिर्फ एक रुपए लगाई है। सलामैकुम, आपको क्या चाहिए सर? खाना चाहिए, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, ये कौन खांसा सर होटल बैठे बैठे? आपका ये खांसी आराज, ये सफेद रेशी और गले में रेशा, मेरा है ईमानदारी पेशा जो मुझे सच कहने पे मजबूर कर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या, क्योंकि आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, अगर आप मर गए तो उनका क्या बनेगा? बात दरअसल ये है कि जिस खाने का आप इंतजार कर रहे हैं, खुदा की कसम उसमें खालस मूंगफली का तेल और ग्रीस मिक्स किया हुआ है। मेरी बात तो सुनिए। देखिए मामा, आपने कोई बदतमीजी की साहब? नहीं, बदतमीजी नहीं की साहब, मैंने सच बोला है, ईमानदारी का सबूत दिया है। क्या मतलब? मतलब ये कि शरीफ आदमी बता के हर चीज में मिलावट होती है। चलो ना, चलो चलते। ये होटल भी बकवास है और इसका मालिक भी जलील है। ठहरिए, रुक जाइए। देखिए, मैं मानता हूँ इस बात का कि ये होटल बकवास है, इस होटल का मालिक जलील है, यहाँ पे मिलावट होती है, यानी कि ये लोगों को जहर देता है खाना नहीं, इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन खुदा के लिए होटल छोड़ के तो मत जाइए, मेरी नौकरी का सवाल है। नहीं, बता सुनो, बता सुनो। नहीं नहीं साहब, सुनिए, देखिए, कम से कम ये तो सोचिए कि आजकल किस चीज में मिलावट नहीं है। इंसान में मिलावट है, घोड़े में मिलावट है, खच्चर में मिलावट, गधे में मिलावट। जीरे मैं जानता हूँ साहब जी कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। ये कोई नई बात नहीं है, मुझे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के सिले में जूते, लाते, घूसे और गालियां मिली है। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन मुझे मेरी ईमानदारी का सिला देने से पहले मेरी मेहनत की उजरत जरूर दीजिएगा, प्लीज। हाँ, उजरत जरूर मिलेगी मिस्टर ईमानदार को, इनकी उजरत तो।